वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट मैंने मतलब सुबह उठा और वर्कआउट थोड़ा किया और जाके फ्रेश होके आ गया, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब फटाफट बाल गीले हैं तो बाल को क्लीन कर एकदम मतलब ग्रूम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जिस दिन मुझे ब्लॉग करना उस दिन बहुत गंदी वाली बारिश आ रही है। लेट बाहर करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो, ये बारिश। सो गाइस, डन विद एवरीथिंग। इतना तो आपको मालूम चल गया टाइटल से कि मैंने 90 डेज का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज खुद से एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी आपको पता है कि मैं ज़्यादा तो खाऊंगा नहीं, जो खाऊंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा भाई काफ़ी सारा बॉक्स है जो कि आया हुआ, इस ब्लॉग में ये सब अनबॉक्स करूंगा। एंड ये नहीं, इसके अलावा और कम से कम 10-15 सामान है जो कि अनबॉक्स करना है। और यहाँ पे रिंग लाइट है जिसे शूट कर रहा था, इसका ISO में थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। सो इसको ही बंद करते हैं। सो मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला है कि कुछ चीज अवॉइड करने के लिए, वो क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला है फास्ट फूड, सुगर, स्वीट, सोडा, कोक एंड मिनिमम आवर स्लीप फॉर 6 आवर और 3 लीटर पानी डेली। तो अभी मैं दूध और चॉकोज लेने वाला हूँ। ऐसा पूरा तो डाइट में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितना भी हो रहा कर रहा हूँ मैं। सो चॉकर्स के साथ साथ मैं धर्मेंद्र सर का नया वीडियो आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। JBL का बार 31 का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, बहुत अच्छा स्पीकर है, 450 वॉट का है, तो अच्छा काम कर रहा है फिलहाल। तो रिव्यू चाहिए तो बता देना। सो फाइनली कॉल आ गया बॉबी का। और बाय द वे मैं मुंबई का निखिल का नया व्लॉग देख रहा था। सो 10 दिन बाद सैनिस डी का बर्थडे है। सो देखते हैं क्या एक्साइटेड है। वैसे फोन पहले इसका रिसीव मैं करता हूँ। कहाँ पे हो? हेलो, मतलब ये है कि बस मैं आ ही रहा हूँ। हाँ, कब तक? आज मैं पहुँच जाना है। हाँ, पहुँच भाई, पहुँच जा फिर। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइयो। ठीक है, चलो घर पे। घर पे तो बॉबी भी आ जाएगा थोड़ा देर में। तो यहाँ पे बहुत जन बोलता है कि भाई सेटअप दिखाओ, तो सेटअप तो भाई कुछ नहीं है, ये देख लो कुछ इस तरीके से। बाय द वे मैं अगर नीचे दिखाऊं तो नीचे में आपको, और नीचे जाते जाते कुछ शूज कलेक्शन है, कुछ शूज कलेक्शन बताता हूँ। तो ये मेरा रेड टाइप का शूज है, बहुत सारा फोटोज में देखा होगा। ये थोड़ा बल्की टाइप का शूज लुक है, तो फोटोज वगैरह काफी तगड़ा वाला आ जाता है इसके साथ। जिम के लिए काफी लाइट वेट है। और ये भी रेड टाइप मेरे को काफी अच्छा लगता है ब्रांड, बिकॉज सस्ता में काफी सही देता है चीज। इसके अलावा भाई यहाँ पे कुछ पैकेट आया है, तो इसमें कुछ शूज भेजा गया है, वो भेजा है shoes_world_india के तरफ से, जो की इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप जाके फॉलो कर लेना। ऑन स्क्रीन में दिखा देता हूँ जो पेज है। तो उसने कुछ शूज भेजा, उसने बोला भाई जरा अपना ऑडियंस के साथ शेयर करो। तो मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर करेंगे। तो यहाँ पे 3 शूज भेजा गया, तो मैं सबको एक एक खोल के दिखाता हूँ। बॉक्स का धज्जिया उड़ चुका है। लगभग 3-4 दिन क्वारंटाइन पे रखा था, तब जाके मैं इस पैकेट को छू के अनबॉक्स कर रहा हूँ। पहले बता देता हूँ ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये फर्स्ट कॉपी फिला है। यहाँ पे आप देख लो, इस तरीके से लुक है कुछ। एक तो ये हो गया पेयर, एक ये पेयर हो गया। इस तरीके से आपको बॉक्स मिलेगा। और इसको अगर मैं खोलूं तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। एडिडास का है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिडास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ, काफी अच्छा लुक है, फोटो वगैरह में काफी कूल सा आएगा। सो ये एक आपका पेयर हो गया है, नाइकी का लोगो के साथ है। इसको खोलता हूँ तो ये मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को इस जो भी पसंद आया, ये कलर मेरे को सबसे अच्छा लगा, नियॉन कलर। सो ये नियॉन कलर मैंने अपने साइज का मंगवाया, तो ये भी बहुत अच्छा। फर्स्ट कॉपी नाइकी लिखा हुआ है, एंड कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है लो क्वालिटी का, क्वालिटी काफी सही लग रहा है। नाइकी और अंदर भी नाइकी लिखा हुआ है। तो ये भी आपका 3 पेयर्स मुझे मिला, तो मैंने 3 पेयर्स आपको तीनों दिखा दिया आपके सामने। आई होप आपको शूज का क्वालिटी ठीक ठाक लगा होगा, प्राइस भी रिजनेबल है। तो आप जाके इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करो, मैसेज करो, DM करो, प्राइस पूछो कम से कम, भाई कितने में दे रहे हो। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी, मैं अभी आया, बाहर आ गया। सो लगता है एक और पार्सल आ चुका है अपना डिलीवरी के लिए। ये किसी ब्रांड नहीं भेजा है ऑब्वियसली, तो इसको मैं जाके रिसीव करके आता हूँ, घर के बाहर ही है। ये दो स्लीपर को तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, ये दोनों मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव मैंने परचेसिंग था मेरा स्लीपर में। ये है क्रॉक्स क्लॉक एंड ये है क्रॉक्स लाइट राइड, तो ये तो रिजेक्ट हो चुका है, ये भी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और अभी जो पार्सल आया है वो है ये, मैंने बोला था कि शायद ये वो पार्सल हो सकता है जो कि रिव्यू के लिए आने वाला है। वो अभी सिलीगुड़ी में है, वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज सिलीगुड़ी को लॉकडाउन कर दिया। आई होप जितना जल्दी सिलीगुड़ी खुल जाएगा वो पार्सल मेरे को एक्चुअली 2 दिन पहले डिलीवरी हो जाता है। सो फाइनली गाइज मैं रेडी हो गया। एक्चुअली पता है सीन क्या हो गया था, सीन हो गया था कि जैगो में 2 जन से मैं सुन रहा हूँ 2 या 1 जन को कोरोना केस हो चुका है। कल से लॉकडाउन है तो मैं सोचा कि आज ही कुछ शूट कर लेता हूँ और किसी रेस्टोरेंट में जाके आपको दिखा देता हूँ बिकॉज कोविड-19 का टाइम सबसे पहला चीज एक अच्छा मार्क्स लेना, उसके बाद भाई चलते हैं। और वी हैव द बॉबी वर्मा इन आवर हाउस। क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया। कब बना रहा है व्लॉग? बनाएगा यार, कब तक लेट्स सी। एक चीज बता देता हूँ कि जयगांव में ये फर्स्ट कोरोना केस होने वाला है। टिल अभी तक मतलब समझ लो वेस्ट बंगाल में एक हमारा जयगांव भूटान बॉर्डर है जो कि एकदम सेफ था, लेकिन अब ये भी सेफ नहीं रहा है और काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। अब ये हेयर स्टाइल वाई भी कर गया। घर के निकलने के बाद बहुत सारा काम आ गया। फाइनली एक नया मार्क्स, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। तो पार्टी करने का टाइम देखो कितना टाइम में मेरे को खिला रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:50, मतलब लगभग 8 बजने वाला है। 8 बजे मुझे यहाँ पे लेके आया खिलाने के लिए। क्या बोल रहे हैं? आते आते लेट हो गया, काम था बस और कुछ नहीं। मतलब देख रहे हो कम खिलाने के लिए। अभी घर पर भी जाके खाना खाना है, घर पर अगर नहीं खाऊंगा तो वहाँ पर भी डांट मिलने वाला है। दे रहा हूँ, अगर मेरा चैनल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक मिल जाएगा। सो गाइस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेकआउट कर लेना। कुछ दिखाता हूँ, अच्छा ही है, मतलब जान पहचान दोस्त के या बोल सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ तरफ क्या बोलते हैं इसको, सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय करो। और मेरा सिनेमैटिक शॉट हाँ बहुत अच्छा, और मेरा सिनेमैटिक शॉट ऐसे मैं तगड़ा देता हूँ, एकदम तगड़ा वाला। अच्छा, और रिकॉर्डिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग होते हुए कैनन में ऐसा नहीं होता, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कनेक्ट नहीं लेगा। पूरा वाइड है, दिखा दो। ओ चलो, पहले क्या कित्तू से कैमरा यूज़ करता था तभी? खाली हैंडल आता था। हाँ खाली हैंडल आता था, वो भी पूरा नहीं। हाँ पूरा नहीं आता। हाँ रोड से निकल जाएगा। बनाऊ देना ये ना, एक्चुअली सुबह बनाता है, 12 बजे ऑर्डर देना होता है इन लोगों को, दिक्कत ये है इसका। बंद है, साफ सफाई कर रहा है। अरे यार क्या चीज़ वो नहीं खाने को मिलेगा। आप कहाँ जाएगा? चलिए बोल, आप तेरा घर कहाँ खाएगा? मेरा जो हमने बोला वही काम है। बंद नहीं है, खुला है। वो ऑर्डर में बनाएगा, बोला ना 12 बजे ऑर्डर देने से मनाएगा। सिर्फ 5 बजे से कब बोला था? वो बोलता है 12 ना, वो कभी बोला 12 बजे ऑर्डर देगा तब तो बनता है। आएगा ह्यूज प्लेस टू अनबॉक्स, इतना बड़ा जगह अनबॉक्स करने के लिए। सेफ्टी इज नंबर 1 प्योरिटी। ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है लगभग 2 दिन के बाद, इसलिए बिकॉज ये सारे पार्सल क्वारंटाइन में थे। अब ये एकदम कोरोना प्रूफ हो चुके हैं, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले मैं सारा पार्सल को ऑन बिस्तर रखता हूँ कि क्या क्या अनबॉक्स होना है। सब कुछ अभी नहीं हुआ बिकॉज मतलब इसी चैनल के लिए, लेकिन टेक्निकल के लिए है। ये गिव अवे है, स्पेशल है, तो वेट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को। सबसे पहला मैं क्या है देखता है पीनट बटर 2.4 kg का। अभी आप लोग में से बहुत जन बोलेगा कि अंकित ये सब पीनट बटर ये सब क्या दिखा रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि पहले ये अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, क्यों ये सब मैं दिखा रहा हूँ, क्यों मैंने ऑर्डर किया। हनी 2 kg हनी 1 पे 1 फ्री था। इस वाले पैकेट को मैंने पहले ही खोल दिया था बिकॉज मेरे को चेक करना था सामान कैसा आया है। तो यहाँ पे ये जो है आप ये बाजू में है ना, बाजू में आप इस तरह लगा के फोन रख सकते हो। इसमें बच गया, मैंने नाइफ को रैंडमली चला दिया था और इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो कट सकता था। जिमिंग ग्लव्स ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो सो ये है प्रोटीन शेकर। यहाँ से डायरेक्ट एक आपको चेन मिलता है जिसके अंदर आप शूज़ रख सकते हो। और ख़ास बात की शूज़ रखोगे तो इधर का गंदा वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का गंदा यहाँ नहीं आएगा। अपना पार्सल ये है माई प्रोटीन की तरफ से, मैंने प्रोटीन मंगवाया। सो मैंने मंगवाया है आइसोलेट का प्रोटीन 1 kg। ये है चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर का है। सो आप ये देख सकते हो कि मैंने कितना ज़्यादा खर्चा किया। प्रोटीन लिया, अपना मॉर्निंग के लिए ये लिया, हनी लिया बिकॉज हॉट वाटर विथ लेमन एंड हनी एंड जिंजर आप ले सकते हो। प्रोटीन शेक लिया, इसके लिए लिया बॉटल लिया, ये लिया बिकॉज हाथ में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कुछ तो। और ये लिया मैंने अपना फ़ोन रखने के लिए, बैग लिया, शूज़ लिया इनफैक्ट। और इतना ज़्यादा खर्चा ट्रेनर को देना होगा एंड प्लस मंथली अलग से जो जिम का फी लग, तो ये जो है खर्चा हो रहा है। ये है भाई 90 डेज का चैलेंज। मैं खुद से एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास अभी जो बॉडी है वो मैं ट्रांसफॉर्म करके कुछ बेहतर बनाऊँगा और आपको कहीं तो कहीं मोटिवेट करूँगा। एक और चीज़, 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 90 डेज का व्लॉग भी आएगा। मतलब एक वीडियो आएगा जब मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तब वो वीडियो आएगा। और आप प्लीज मुझे मोटिवेट करो इंस्टाग्राम पे आके कि अंकित भाई प्लीज तुम कर सकते हो, कर लो, कर सकते हो। इंस्टाग्राम में एक जन है जो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है मुझे, तो मेरे को आज हिम्मत हुआ। आज मैं मॉर्निंग उसी के वजह से उठ पाया। ये इंस्टाग्राम वाला का ये था, अच्छा बॉडी होगा तो अच्छा लड़की मिलेगा, अच्छा लड़की मिलेगा तो अच्छा घर बसेगा। तो कहीं बहुत सच है बात। इफ यू लाइक दिस वीडियो व्हाट्सएवर रीजन गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो और मोटिवेट करो। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो अंकित गुरुजी और वहां बात करते हैं। बाय बाय।